इंडिया न्यूज़, सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत और सबसे पहले जो बात है वो गोल्डी बराड केस से जुड़ी हुई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड की मौत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। कल दिन भर मीडिया में खबरें चलती रही कि गोल्डी बराड की हत्या हो गई है, मारा गया है, लेकिन गोल्डी बराड की हत्या महज अफवाह निकली है, ऐसी जानकारी अभी अभी मिली है। गोल्डी बराड की जो हत्या है वो सच नहीं है, ये अमेरिकी पुलिस दावा कर रही है। अमेरिका की पुलिस ये भी कह रही है मारा गया युवक गोल्डी बराड नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये पुष्टि हम करते हैं कि मारा गया शख्स गोल्डी बराड नहीं है। गोल्डी बराड के मारे जाने की खबरों को लेकर दिन भर मीडिया में सुर्खियां सामने आती रही। गोल्डी बराड की किस तरीके से मौत हुई है, किस तरीके से हत्या की गई है, विरोधी गैंग के जरिए कैसे हमला किया गया है, ये सभी बातें कल दिन भर चर्चा का विषय रही। लेकिन शाम होते होते फिर खबरें निकलकर सामने आने लगी और बीती रात में ही अमेरिकी पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि ये जो खबरें हैं इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी कि जो शख्स मारा गया है वो आखिर कौन है। दो लोग जिन पर हमला हुआ था, दो लोग जिन पर हमले के बाद एक की जान चली गई थी, दूसरा जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया था जहां इलाज के बाद उसकी छुट्टी भी हो गई है, छुट्टी दे दी गई है उसे अस्पताल से, लेकिन जो मारा गया शख्स है वो अगर गोल्डी बराड नहीं है तो आखिर कौन है। ऐसे कई सवाल लगातार बने हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड था। ऐसे में गोल्डी बराड की मौत की खबर, गोल्डी बराड की हत्या की खबर दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही, लोग इसके बारे में बात करते रहे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड, क्या वाकई मारा गया? मौत का सच आखिर है क्या? गोल्डी बराड क्या जिंदा है या फिर वो मारा गया है? ये सवाल बन ही रहे थे, इन सब को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। इन सब के बीच में अमेरिकी पुलिस ने किया है बड़ा दावा और अमेरिका की पुलिस ये कह रही है, दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जो मारा गया शख्स है वो गोल्डी बराड नहीं है। इस वक्त का ताजा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को लेकर जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विपिन परमार भी मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एलएन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। गोल्डी बराड के मारे जाने की खबरें कल दिन भर मीडिया में थी, लेकिन अमेरिकी पुलिस अब दावा कर रही है जो मारा गया है वो गोल्डी बराड है ही नहीं तो फिर और कौन है? देखिए, बिल्कुल, अमेरिकन पुलिस की ओर से यह दावा किया गया है कि जो व्यक्ति मारा गया है वो अफ्रीकन मूल का रहने वाला था और अफ्रीकन मूल का ये व्यक्ति जो है ये गोल्डी बराड की तरह जो है देखने में जो है कहीं बहुत ज्यादा समानता थी और इसी को लेकर वहां से गुजर रहे एक पंजाबी युवक की ओर से इस बाबत जो है ये बात फैला दी कि गोल्डी बराड जो है वो मारा गया है। इस बात को लेकर जो है कल से ही पशुपेश चल रहा था कि क्या गोल्डी बराड की हत्या हो गई है, क्योंकि जब भी गैंग कल्चर, आप अगर रिसेंट पास्ट में जाएं जो गैंगस्टर्स की गैंग वॉर होती है, लाजमी सी बात है क्योंकि राइबल गैंग्स जो है वो इस पर जो है वो अपना क्लेम लेने के लिए या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो है तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट जो है अपडेट कर देते हैं। अब ऐसे में गोल्डी बराड लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, लेकिन गोल्डी की हत्या के बाद किसी भी गैंग की ओर से, राइबल गैंग की ओर से, चाहे वो बम्बीहा ग्रुप हो या कोई और आउटफिट हो, उनकी ओर से किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ली गई। ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिकन पुलिस को आगे आना पड़ा है और ये स्पष्टीकरण दिया गया अमेरिकन पुलिस की ओर से कि जो व्यक्ति मारा गया वो देखने में भले ही गोल्डी बराड की तरह दिखता था लेकिन ये व्यक्ति जो है वो अफ्रीकन मूल का रहने वाला था। अब ऐसी परिस्थिति में लगातार जो क्योंकि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में है, गैंगस्टर्स में है, देश की ओर से भी जो है वो जो लुकआउट नोटिसेस जो है, रेड नोटिसेस जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो इस बात को लेकर जो तस्दीक हुई है कि गोल्डी बराड की हत्या को लेकर जो खबरें चल रही थी कि गैंग वॉर में जो है वो मारा गया, और कल ये भी खबरें आ रही थी कि लखवीर लंडा और अर्शदीप डल्ला गैंग की से जो है वो इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उन खबरों पर अमेरिकन पुलिस की ओर से जो है वो विराम लगाने का काम किया गया, लेकिन अभी भी तमाम चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो है वो अपने स्तर पर, क्योंकि जब इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं तो लाजमी सी बात है कि भारतीय एजेंसियां भी और जो पंजाब पुलिस है वो भी इन कोऑर्डिनेशन विद अमेरिकन पुलिस ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन को लेकर जो है वो तमाम चीजें जो है वो तस्दीक के लिए जो है वो मांगी जरूर जाएंगी। तो वैसे में ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हुई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अमेरिकन पुलिस का आया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि गोल्डी बराड बड़ा गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी भी, ऐसे में भारत सरकार की भी नजर, जांच एजेंसियों की भी नजर, ऐसे में मारे जाने की जब खबर सामने आई तो कान सभी के खड़े हो गए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में है। जावेद, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है, क्या अमेरिकी पुलिस की तरफ से किया गया दावा 100% सच है?
लेकिन बोर्डिंग बढ़ाने जावेद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एलएन राव सर भी हमारे साथ में हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूं। एलएन राव सर, जब बड़े गैंगस्टर्स की बात होती है और वो गैंगस्टर विदेश में छिपे होते हैं, ऐसे मामलों में भारत सरकार के जांच एजेंसियों के स्टैंड क्या रहते हैं उन्हें ढूंढने को लेकर, या फिर अगर इस तरह से हत्या हो जाए तो उसे लेकर? देखिए रत्ना जी, ये जो भारत सरकार की जो एजेंसी है वो थ्रू इंटरपोल, जो इंटरनेशनल पुलिस है, उसके एक हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं और वो इंटरपोल की ब्रांचेज हर देशों में होती है, तो वहां से वो वेरीफाई करवाते हैं। तो इसका ये गोल्डी बरार है या नहीं है, वैसे तो यूएस पुलिस ने बता दिया कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारी एजेंसी चाहेंगी तो उसका बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फिंगरप्रिंट्स अगर उनके अवेलेबल है तो फिंगरप्रिंट से, अदरवाइज कोई और भी जो उसके साथ साथ में दूसरा आदमी जो इंजर्ड हो गया था वो बता सकता है कि वो कौन आदमी है। तो अभी ये अगर यूएस पुलिस ने कह दिया कि नहीं है वो, तो हो सकता है वो ना हो, और इसके लिए फिर भी हमारी देश की जो एजेंसीज हैं वो इसको फिर रिकन्फर्म करा देंगी, और जब कंफर्मेशन हो जाएगी तब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा कि ये गोल्डी बरार है कि नहीं है। लेकिन गोल्डी बरार जैसे आदमी के बारे में, जैसे आपने बताया कि जैसे मिलता जुलता अफ्रीकन मूल का आदमी है, तो कई बार मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है, यानी कि पहचान में अगर किसी ने गोल्डी बरार समझ के उसको गोली मारी है तो हो सकता है कोई दूसरा आदमी उसकी शक्ल का, जैसे मिलता जुलता आदमी की डेथ हो गई हो। तो ये सब चीजें अभी जैसे वहां से खबर आ गई कि वो नहीं है, फिर भी यहाँ पर इंडियन एजेंसी अपना तरीके वेरिफिकेशन करने का जो भी सिस्टम है इंटरपोल के थ्रू वो करेंगे। जिस तरीके से गोल्डी बराड भले ही विदेश में रह रहा है विपिन परमार, लेकिन भारत में अलग अलग हिस्सों में दहशत पैदा करने की, अपराधों को अंजाम देने की जो कोशिश है वो लगातार उसके जरिए हो रही है, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, या फिर कनाडा और बाकी देश क्यों ना हो। ऐसे में जब अमेरिका में वो पनाह लेकर छिपकर बैठा है और अब जब मारे जाने की खबरें देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसे में अगर जिंदा बचा है, अगर ये खबर सच है जो अमेरिकी पुलिस कह रही है, तो फिर उसे ढूंढने के लिए भी तो उसी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें अमेरिकी पुलिस का सपोर्ट भारत सरकार दे सकती है। देखिए तमाम चीजें हैं, और गोल्डी बराड़ जो है वो शातिर गैंगस्टर्स में है। जब इसके कजन ब्रदर गुरलाल बराड़ की हत्या की गई थी, उसके बाद ये जो है वो तमाम गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में आकर जो है, क्योंकि लॉरेंस का काफी करीबी जो है वो गोल्डी माना जाता था, दोनों जो हैं वो छात्र संघ राजनीति के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, और एकाएक गैंग कल्चर की दुनिया में जब ये गए तो गोल्डी बराड़ जो है उसके जब चचेरे भाई गुरलाल बराड़, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसकी ओर से इलेक्शन भी लड़ा गया था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हत्या के बाद जो है वो गोल्डी जो है गैंग एक्टिविटीज में जो है वो काफी एक्टिव हुआ, और कई वारदातों को, क्योंकि उस समय एक सिलसिला चला था गैंग वॉर्स का, और उस समय कई गैंगस्टर्स जो है गैंग वॉर के चलते जो है मारे गए थे। उसके बाद गोल्डी बराड़ जो है वो कैनेडा जो है वो भाग गया था। अब जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जो है पूरी मास्टरमाइंड के तौर पर जब देखा गया, तो तब ये खबरें आई थी कि कैनेडा बैठकर जो है गोल्डी बराड़ की ओर से जो है ये तमाम साजिश जो है वो रची गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये गैंगस्टर्स अपने जो इलाके हैं या फिर अपने जो ट्रेटीज हैं उनको बदलते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो ऐसे में इंटरपोल और जो राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं उनके लिए इनको ट्रैक कर पाना जो है बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिका में जिस तरह से ये खबरें आई हैं, अब ये तस्दीक करनी होगी बिल्कुल जिस तरह से हमारे साथ जो जुड़े एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से बताया गया है कि जो इंटरपोल है फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, जो जो आदमी इंजर्ड हुआ उससे भी जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो करवाई जा सकती है। लेकिन तमाम चीजों में सबसे बड़ी चीज ये है कि एक होड़ रहती है गैंग कल्चर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, या फिर जो इस तरह की कोई वारदात को अंजाम किसी गैंग की ओर से राइबल गैंग के लिए किया जाता है तो लाजमी सी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पर ली जाती है। अब ऐसे में ना तो लॉरेंस गैंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, लॉरेंस गैंग पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि लॉरेंस के साथ एसोसिएटेड गोल्डी बराड़ है वो जो है कनाडा और बाहरी देशों में बैठकर पूरा का पूरा गैंग कल्चर जो है, पूरा गैंग का नेटवर्क जो है वो पंजाब में और देश के अलग अलग कोनों में चला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी गैंग्स जो राइवल गैंग्स है, क्योंकि बबीहा गैंग के साथ सीधी सीधी राइवलरी जो है वो लॉरेंस ग्रुप की है, अब ऐसी परिस्थिति में किसी भी गैंग की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो ली गई है और ना अभी तक जो है किसी की ओर से यह कहा गया है
कि ये गोल्डी बराड ही था, यानी कि लॉरेंस विश्नोई गैंग की ओर से भी कुछ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब फिलहाल की अगर बात करें तो अमेरिकन पुलिस की ओर से, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रहती है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अफ्रीकन मूल का कोई व्यक्ति था जो कि लुक अलाइक था, जो कि दिखता था गोल्डी बराड की तरह। अब ये तमाम चीजें जो है वो तस्दीक जो है वो जो फॉरेंसिक एविडेंस जो रहते हैं, चाहे वो फिंगर प्रिंट्स हो, चाहे तमाम तरह की डीएनए टेस्टिंग्स हो, उसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं कंफर्मेशन होता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात यही है कि इस चीज को लेकर एक स्पष्टीकरण अमेरिकन एजेंसीज या अमेरिकन पुलिस की ओर से जरूर आया है, लेकिन लाजमी सी बात है कि जिस तरीके का या जिस स्तर का ये गैंगस्टर है उस तरीके से अगर बात करें तो राष्ट्रीय एजेंसियां लाजमी सी बात है इस बात को लेकर पक्की तस्दीक करना चाहेंगी कि क्या मरने वाला गोल्डी बराड़ है। लेकिन अमेरिकी पुलिस कह रही है कि नहीं, जो मारा गया है वो गोल्डी बराड़ नहीं है। लेकिन विपिन बता रहे हैं कि अगर फिर भी ये दावा होता है कि नहीं मरने वाला शख्स गोल्डी बराड़ ही है, तो आगे किस तरीके से जांच हो सकती है, कैसे ये क्लैरिफाई हो सकता है, वो विपिन ने तरीके बता दिए। लेकिन एलएन राव सर, चूंकि आप पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि गोल्डी बराड़ जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, भारत में अलग अलग जगह अपराधों में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, इसी साल केंद्र सरकार ने उसे आतंकवादी भी घोषित कर दिया, विदेश में छिपकर जरूर बैठा है, अमेरिका में छिपकर बैठा है, लेकिन वहां रहते हुए भी कैनेडा, फिलीपींस, रूस जैसे कई ऐसे देश हैं जहां खून बह रहा है और गैंग वॉर वहां पर भी उसकी चल रही है। ऐसे में जब इंटरनेशनल लेवल पर ये इतना बड़ा गैंगस्टर साबित हुआ, क्या ये पॉसिबल नहीं है भारत सरकार उन देशों की सरकार से ताल्लुक रखे, वहां से कुछ साझा ऑपरेशन चलाए जा सके ताकि गोल्डी बराड़ पकड़ा जाए, या तो जिंदा या तो मुर्दा? जी बिल्कुल संभव है ये, और मैं समझता हूँ कि जहां जहां जिस जिस केस में वांटेड है, जैसे पंजाब पुलिस में वांटेड है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वहां की पुलिस एमएचए के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एमईए को कांटेक्ट करो, और एमईए इंटरपोल के थ्रू इससे कांटेक्ट करने के बाद अगर हमारे देश में वहां पर इसको अरेस्ट हो सकता है, रेड कॉर्नर नोटिस या दूसरे जो इंटरपोल के जितने भी नोटिस हैं, जो कंसर्न नोटिस है उसके हिसाब से उसको अरेस्ट वहां पर करके, अगर हमारे यूएस के साथ में डेफिनेटली संधि है कि वो कोई भी अपराधी वहां पर है उसको बाद में इंडिया लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल यहाँ होगा उसका, क्योंकि ऑफेंस जो है वो इंडिया में हुआ, तो वहां से कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमारे एमईए, एमएचए और ये सारे कोऑर्डिनेट अगर इंटरपोल के थ्रू यूएस एजेंसी, यूएस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या यूएस पुलिस के साथ करेंगे तो वहां से इसको लाया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि इसकी प्रक्रिया चल चुकी होगी, और क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है इसलिए इसमें थोड़ा डिले लग रही है। अगर ये वांटेड है तो जो प्रोसीजर है इसमें कोर्ट का प्रोसीजर है, इसका वारंट यहाँ निकाला जाएगा, उसके बाद वारंट नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसके बाद इसको एमईए के थ्रू इसको इंटरपोल को भेजा जाएगा, इंटरपोल वहां की पुलिस को कॉन्टेक्ट करेगी, वहां पर जो जो इसकी प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया के हिसाब से उसको अगर ट्रेस कर लिया जाए, वहां पर ट्रेस करने के बाद में उसको अरेस्ट किया जाए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन पुलिस, तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है यहाँ पर। एज पर अगर हमारे यहाँ देश की यूएस के साथ में हमारी इस प्रकार से संधि है तो उसके बाद वो उसको लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ देर जरूर हो जाती है, आपने देखा होगा पिछले देर हो जाती है और ये देर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तेजी इसमें आनी चाहिए और अब जल्द से जल्द गोल्डी बराड़ और ऐसे कई गैंगस्टर जो कि विदेशों में छिपकर बैठे हैं पकड़े जाने चाहिए। विपिन परमार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और एल एन राव सर आपका भी बहुत शुक्रिया, ये जानकारी जो महत्वपूर्ण है आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई।